मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे नगर निगम के विटवा गेट नंबर 1 पर स्थित पूर्व शिवसेना शिंदे गुट की नगर सेविका प्रियंका पाटिल और शिवसेना विभाग प्रमुख अविनाश पाटिल के शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय में एक युवक ने लोहे के सरिये से तोड़फोड़ की है। आरोपी सुनील देशमुख ने शिंदे समूह के शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय का शीशा लोहे के सरिये से तोड़ दिया है। कलवा पुलिस ने सुनील देशमुख को हिरासत में ले लिया है और मामला भी दर्ज किया जा रहा है। सुनील देशमुख के ऊपर नवी मुंबई रबाले पुलिस स्टेशन और अन्य थानों में आपराधिक मामले भी सामने आए हैं। एक बार फिर से सुनील देशमुख पर तोड़फोड़ करने का मामला अब दाखिल किया जा रहा है। शिवसेना विभाग प्रमुख अविनाश पाटिल और उनके बेटे दीप्तेश पाटिल को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस आगे इसकी जांच कर रही है। शिंदे गुट के शिवसेना कलवा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और हमला करने वाले आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। ज़्यादा लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने की वजह से पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शिवसैनिकों को शांत कराया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शी जो है उन लोगों ने क्या बताया इस पूरे घटना को लेकर आपको सुनाते हैं। आणि ते बाबा पण इथे बाजूला बसले आणि तो मान कोण होता कोण काय माहिती नाही तो डायरेक्ट सालाही घेऊन आला आणि डायरेक्ट बाकी काय नाही आणि हे यांना मी बाजूला गेलो त्यांनी डायरेक्ट ऑफिस कोडलं असं बस एवढंच ऑफिस कोडून तो सालाही टाकून निघून गेला। का फोडला का फोडले एवढं काय माहिती नाही आपल्याला आम्हाला काहीच नाही माहिती त्याचं। किती वाजता झाली घटना? 6:45 दरम्यान। किती जण होते? एकटाच। सलई लोखंडाची सलई होती। किती वाजता? 6:45 दरम्यान। तेवढं काय टायमिंग पण नाही बघितलं पण तेवढं त्याच दर शाखा तेव्हा सुरू होती। लोक बसलेले म्हणजे माझे मिस्टर बसलेले आणि हे भाऊ बसलेले बस दोघेच बसलेले आणि ते पण ना माझे मिस्टर का घेऊन आले आणि इथे उभे होते। कसा आला तो व्यक्ती? कसा आता त्या रुमाल 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 बांधलेला रुमाल बांधलेला पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले। शाखा कोणाची आहे? अविनाश पाटील तिचं ऑफिस। हो लास्ट कुठली आपली